أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين وجاهدوا فأولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ये आयत नंबर 217 और 18 जो है इस वक्त आपके सामने तिलावत की गई हैं। उसके अलावा और चंद आयात हैं जो इसके बाद इंशाल्लाह उसकी तफसीर की जाएगी। ऊपर की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पर जान और माल को राह खुदा के अंदर ख़र्च करना ये ज़रूरी करार दिया। बज़ाहिर इंसान को इसके अंदर मशक्क़त और तकलीफ़ होती है, लेकिन जो चीज़ आदमी पसंद करता है बसा अवकात उसके अंदर जो है वो खैर नहीं होती, और बात चीज़ें होती है जिसको वो समझता है कि इसके अंदर मेरे लिए शर है, लेकिन हकीकत के अंदर जो उसके अंदर खैर छुपी होती है। तो बहरहाल मिन जुमला उसके ये चीज़ भी है कि इंसान को जान और माल खर्च करना बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसके अंदर नुकसान है, लेकिन हकीकत के अंदर अल्लाह ताला ने उसमें दोनों जहाँ की कामयाबी रखी। अब ये राह खुदा के अंदर जान और माल के ज़रिए से दुश्मनों का मुकाबला करना, ये बाज़ महीने ऐसे हैं कि जिसके अंदर दुश्मनों से आप मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि उन महीनों का एहतराम करना जो है वो ज़रूरी है। चुनांचे इस्लाम से पहले भी इन महीनों का जो है वो एहतराम किया जाता था, और मुशरिकीन जो है इस महीने के अंदर क़िताल नहीं किया करते। एक वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास सहाबा को जो है वो भेजा था जो है अपने मुकाबले के अंदर। इत्तिफाक़ से ये जमादियुल उखरा की आखिरी तारीख थी, और इत्तिफाक से वो जो है महीना शुरू हो गया था रजब का, और सहाबा को पता नहीं था, तो इन्होंने जो है मुशरिकीन के साथ क़िताल किया। अब बस मुशरिकीन को ये मौका मिल गया कि मुसलमानों ने जो है इस महीने का एहतराम नहीं किया, और इस तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बराह रास्त सवाल किया, और इस तरीके से जो है वो एतराज़न जो है ये किया कि ये एहतराम नहीं करते हैं। तो इसके मुताबिक ये आयत शरीफा नाजिल हो रही है, यस अलूनक अनिश शहरिल हराम क़िताल फ़ी, के लोग आपसे अशहुर हुरम शहर हराम जिसमें क़िताल करना हराम है उसके मुताबिक सवाल करते हैं कि अगर कोई इस महीने के अंदर जो है क़िताल करे तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। ज़ाहिर है कि वो उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो आप कह दीजिए कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, तो आप कह दीजिए कि ये इस महीने के अंदर कोई आदमी क़िताल कर रहा है तो उसने बड़ा जो है वो जुर्म किया है। लेकिन ज़ाहिर है कि मुसलमानों से ये जो फ़ैल यानी सादिर हो गया था वो बिलकसद नहीं था, वो समझ रहे कि 30वीं तारीख है और इत्तिफाक़ से वह रजब की तारीख थी, तो जानबूझकर इस तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि तारीख की तहकीक न होने के सबब गलती से ऐसा हो गया। तो इसका जवाब दिया गया है कि ये तो जो है इसके अंदर किताल करना ये बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे बड़ा गुनाह क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। तो कहा वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना,
یعنی لوگ مسلمان نہ ہوں اور ان کو ڈرانا دھمکانا، یہ تو اس سے بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام سے جانے سے بھی جو ہے روکے رکھنا، فرمایا یہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ جرم ہے اور یہ جو ہے اس قابل گرفت ہے۔ فرمایا وصد عن سبیل و کفر بھی و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، جو مسجد حرام کے متولی تھے، جو ان کی نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، ان کو بھی جو ہے وہاں سے نکالا گیا، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت کی آ چکی تھی۔ تو یہ حرکتیں ایسی ہے جو جرم عظیم ہے، یہ اس سے بڑا بھی گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہ دوسرے کے آنکھوں کا تنکا دکھائی دیتا ہے جو ہے، لیکن اپنا جو ہے بڑا سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، شہتیر بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، تنکا لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ جو کام ہے یہ اور زیادہ اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، اور لوگوں کو دین سے جو ہے وہ پھسلانا اور دین سے دور کرنا، یہ فتنہ پردہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے، قتل سے زیادہ۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ تو ان کی سرشت میں اور ان کے رگ و ریشے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پیوست ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ اور جدال جاری رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر وہ قابو میں پا لے تو تم کو اور تمہارے دین اسلام سے تم کو پھیر دے۔ ان کی تو یہی کوشش ہے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے بس جو ہے تم کو دین سے ہٹا دے۔ تو یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی دین سے پھر جاتا ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، مرتد ہو جاتا ہے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور پھر وہ مرتد ہونے کی حالت کے اندر ہی وہ مر جاتا ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا کے اندر جو اعمال کیے وہ بھی ضائع ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی کوئی ثواب نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے لیکن اللہ حفاظت کرے کہ پھر وہ کسی کے جھانسے میں آ گیا، کسی لالچ میں آ گیا اور کوئی چیز میں آ گیا اور وہ دین سے پھر گیا، تو پہلے جتنے زمانے اسلام کے اندر اس نے نئے کام کیے وہ تو ضائع ہو گئے اور آخرت کے اندر جو ہے اس کا اجر ثواب نہیں ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اسے توفیق دی اور کوئی بندے خدا نے اس کو سمجھایا اور وہ باز آ گیا، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرما دیں گے اور اسے معاف فرما دیں گے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ہے۔ اسے جو ہے اس وقت جو ہے ہمارے سامنے صورت حال ہے اور ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ بسا اوقات دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور دین کا ماحول گھروں میں نہ ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ دین کی عظمت کم ہوتے ہوتے آدمی دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ چنانچہ آپ چلے جاؤ جو ہے بہت سے ممالک کے اندر، تو جب آپ ان سے ملیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے آبا اور اجداد عرب تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ دین کیا چیز ہے، باپ دادا عرب تھے، اسلام والے تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ ہاتھ بیٹھے۔ اس لیے اس بات کی جو ہے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی دین پر جمع رہے اور ہر حال کے اندر جمع رہے۔ اس لیے حضرات صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکر، کہنے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم ہر حال کے اندر دین پر جمے رہیں گے، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، جو بھی ہو، ہر حال کے اندر وہ جمے رہیں۔ تو بہرحال یہاں جو ان کا سوال تھا اس سوال کا جواب جو یہاں پر دیا گیا کہ تم یہاں سوال کرتے ہو کہ شہر حرم میں، اشہر حرم کے اندر قتال کرنا کیسے، حالانکہ اس سے بڑی بڑی جو ہے برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں، حالانکہ اس سے تمہیں بعد آنا چاہیے۔ اب
आगे मोमिनों की तसल्ली दी जा रही है कि यहाँ भूल से ये बात हो चुकी थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब उस पर अजर सवाब मिलेगा या नहीं। तो बार ताला फरमा रहे इन लदीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लदीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते के अंदर, जो है वो जान को, माल को और वतन को, सब को कुर्बान किया, वजाहदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते के अंदर उन्होंने मुजाहदा किया, उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह, ये अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। और जब उम्मीदवार है तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी बख्शिश नहीं करेगा। अल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाले और मेहरबान हैं। आगे जिस तरीके से यहाँ पर सवाल किया था, इसी तरीके से एक सवाल और भी किया, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। लोग यानी आपसे लोग ये सवाल करते हैं शराब के बारे में और क़िमार जुए के बारे में, यानी क्या ये करना जायज़ है या नहीं है। फरमा कुल, आप कह दीजिए, फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, इसमें गुनाह बहुत बड़ा है, वो मुनाफ़िउ लिन्नास, और कुछ नफ़ा भी है। ये इब्तिदा में जो है ये बात कही गई, वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इनका गुनाह बड़ा हुआ है उनके नफ़ा से। और कायदा ये है कि जल्बे मनफात, जल्बे मज़र्रत मुकद्दम है जल्बे मनफात पर, यानी किसी चीज़ के नुकसान को दूर करना ये उसके नफ़ा से मुकद्दम होता है। लिहाजा इस कानून के एतबार से भी इन चीज़ों को, जब तक ये हराम नहीं हुई थी, इन चीज़ों से बाज रहना जो है ज़रूरी था। चुनाचे ज़माने इस्लाम से पहले हम सब जानते हैं कि लोग बुरी चीज़ों के आदि थे, उसमें से एक शराब के आदि थे, जुए के आदि थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों की ज़माने जाहिलियत के अंदर भी हिफाजत फरमाई थी। बाज़ सहाबा वो थे जिन्होंने इस चीज़ के हराम होने से पहले भी इसके करीब तक नहीं हुए और इससे बाज रहे थे। चुनाचे उनके दिलों के अंदर ये एक जो है सवाल उभरता था कि क्यों ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करें कि जिस चीज़ के अंदर नुकसान है, उन चीज़ों के बारे में जो है हमें आपकी तरफ से कोई रहनुमाई हो, कोई गाइडिंग हो, ताकि हम इससे बाज आ जाएं। चुनाचे उन सहाबा के अंदर जो इन चीज़ों से बाज थे, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुआद इब्ने जबल और चंद अंसारी सहाबा, तो ये हाज़िर ख़िदमत भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शराब और जुआ इंसान की अक़ल को भी ख़राब करते हैं और माल को भी बर्बाद करते हैं, तो आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं। तो इस आयत के अंदर जो है इसका जवाब दिया गया। जवाब क्या दिया गया कि इसमें वक्ती तौर पर तो थोड़ा सा आदमी को जो है ऐसा लगता है कि जोश आ रहा है, कुछ जो है चेहरे के अंदर रंगत आ जाती है, तो ये तो एक टेम्परवरी जो है वह नफ़ा है, लेकिन उसके बिहाइंड कितने नुकसान हैं उसको देखो। तो ये आयत इब्तिदाअन शराब के हुरमत से मुतालिक जो है वो नाजिल होती है। इसके बाद जब लोगों के दिलों में, सहाबा के दिलों के अंदर नफरत पैदा हुई कि ये तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, तो अकलमंदी का तकाजा क्या है कि जिसमें नुकसान ज़्यादा उसको छोड़ना चाहिए। तो अब इसको छोड़ तो दिया, लेकिन बाज़ मरतबा वो आदत थी तो आदत तो जाती नहीं। जैसे मैंने एक वाक़ आपको सुनाया था, फिर भी आपको फिर सुना देता हूँ, चूँकि अभी रोज़ा भी जो है लंबा हो गया तो थोड़ा निशात पैदा हो जाए। एक आदमी था, वो शेख के पास बैत हुआ। शेख के हाथ में बैत होने का मतलब ये होता है कि हम गोया उसके हाथ पर जो है तौबा करके उससे जो है वो एक रहबरी हम लेते हैं, वो तो कुरान हदीस ही करता है। बहरहाल इस पर भी बाज़ लोगों को जो है ना वो इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ भी कम इल्मी की वजह से होता है। हालांकि कुरान करीम के अंदर इसका ज़िक्र है और अहादीस के अंदर भी इसका ज़िक्र है, इन्नल्लज़ीना युबायउनक इन्नमा युबायउनल्लाह, सहाबा ने आपके हाथ पर बैत की थी। या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबायउनक अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाह, सूरह मुमतहिना में औरतों से भी बैत का ज़िक्र है, लेकिन वह हाथ से हाथ नहीं मिलाया जाता था,
بلکہ پردے کے پیچھے جو بیعت ہوتی تھی. بہرحال تو ایک شخص نے جو ہے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور جب شیخ سے ہاتھ بیعت ہوتی تو وہ توبہ کراتا ہے. توبہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں چوری نہیں کروں گا, جو ہے برے کام نہیں کروں گا, اور نیکی کے جتنے کام ہیں اسے کروں گا. تو اس وقت تو اس نے توبہ کر لی. اب وہ چوری کا عادی تھا, اب جس چیز کی عادت ہوتی وہ جلدی جاتی نہیں. اب اس نے سوچا کہ میرے اندر یہ برائی ہے, لیکن میں نے شیخ سے تو توبہ کر لیا ہے کہ چوری نہیں کروں گا. تو اب کیا کرتا تھا, رات میں جب لوگ سو جاتے تھے تو خانقاہ میں جو لوگ تھے نا, تو ان کے چپلے جو ہے جوتے ادھر کے ادھر کر رکھتے, اب ادھر کی چپل ادھر, ادھر کی چپل ادھر. صبح میں لوگ جب اس کو پہنے جائے تو پریشان ہو جائے. تو ایک دن دو دن شیخ سے شکایت کی, بھائی یہ معاملہ ہو رہا ہے, کہا کہ چوکی داری کرو, دیکھو کون کر رہا ہے. تو اس شخص کو پکڑ لگا ہے, کہا کہ آپ نے تو توبہ کی تھی چوری سے. کہے چوری سے توبہ کی تھی, ہیرا پھیری سے نہیں کی. تو یہ ہیرا پھیری تو عادت ہے, تو وہ تو جانے والی نہیں. تو جو چیز جس چیز کے آدمی کو عادت ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی ہے. اس لیے شریعت نے بھی اس کا خیال رکھا کہ اب لوگ شراب کے عادی ہیں, تو پھر یہ آیت نازل بھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا, شراب کی حالت کے اندر, وہ نشے کی حالت میں تھے, شراب کی حرمت نہیں تھی. اب سورہ کافرون پڑھنا شروع کر دی تو ادھر کی آیت ادھر, ادھر کی آیت ادھر. ویسے بھی سورہ کافرون کے اندر آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اور نشے میں ہو تو پھر کیا کہنا, کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو اب جو ہے یہ آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے, ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. اے ایمان والو, نماز کے قریب نہ ہو جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. مطلب یہ ہے کہ نشہ اتر جائے تو اس کے بعد کوئی, تو ابھی بھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے اندر بہت سی جو ہے وہ خرابی تھی. چنانچہ ابھی یہ آیت, یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چند صحابہ کرام کی جنہوں نے دعوت کی تھی, جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو جلیل القدر صحابی وہ بھی موجود تھے, اور کھانے کے بعد پھر جام کا دور چلا, شراب کا دور چلا. تو اب کیا ہو گیا, اب اس میں قصہ کہانی اور اس کے بعد جو ہے وہ قصیدہ کہانی یہ سب کچھ ہوتے رہے. تو جس میں انصار مدینہ کی برائی کی جا رہی تھی اور اپنی قوم کی جو ہے تعریف کی جاتی, اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا, اور اس نے اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دی, جن سے ان کو شدید زخم آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اس انصاری کی جو ہے وہ شکایت کی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ, شراب الکحل کے بارے میں ہمیں ایسے احکامات جو ہے بتا جو ہمارے لیے بالکل جو ہے وہ مکمل کافی اور واضح اور شافی ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد شراب کی حرمت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, سن لو, بے شک شراب, جوا اور اسی طریقے سے بت اور جوئے کے تیر, انصاب کہنے آئیڈل, ازلام وہ تیر ہوتے تھے جس کے ذریعے سے وہ تقسیم کرتے تھے, رج سن, یہ سب گندی باتیں ہیں, شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبو, اس سے تم باز آ جاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان کا کام کیا ہے, انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں عداوت, دشمنی, بغض پیدا کر دے, شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے, اور تم کو اللہ کے یاد سے روک دے اور نماز سے روک دے. تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بات. چنانچہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ کو پھر ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑی. انہیں یہ نہیں پوچھا کہ جو پہلے ہم نے لا چکا ہے, اسٹاک کیا کیا اس کو ہم پہلے سیل کریں, بعد میں پھر اس کی گنجائش ہو. نہیں نہیں, فرمایا جس کے پاس جہاں تھی اس کو وہیں پر جو انہوں نے چھوڑ دی, ہاتھوں میں تو ہاتھوں سے نیچے رکھ دیا, اور مٹکوں میں تھی تو مٹکوں سے اس کو بہا دیا, اور جن کے پاس اسٹاک تھا تو
तो कहा कि फला फला जगह पर उसको जमा कर दो, तो लो हमने उसको वहां पर जमा कर दिया। और फिर शराब से लोग बिल्कुल जो है उससे बाद आ गए। अब तो मौजूदा दौर जो है वो तरक्की याफ्ता दौर है, तो एक तरफ तो उसकी मजम्मतें भी बयान की जा रही है और एक तरफ उसके लाइसेंस भी अलाउंस किए जाते हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसको उभारा भी जा रहा है। तो किसी कौम के अंदर अगर बिगाड़ लाना हो और किसी कौम को अगर दीन और दुनिया से दूर करना हो तो उसके अंदर शराब आम कर दो, तो शराब आम हो जाएगी तो फिर उसे किसी, इसलिए कि शराब को उम्मुल खबाइस इसीलिए कहा, जब आदमी की अकल ही नहीं होगी, उसको सूझ और बूझ नहीं होगी, तो अब मियाँ बीवी के दरमियान में क्या फ़र्क होगा, हराम और हलाल के दरमियान क्या फ़र्क होगा। और फिर उसके बाद माल बर्बाद हो रहा है, ख़ानदान के अंदर अफरा तफरी हो रही है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है, हम सब जानते हैं क्या नहीं हो रहा है। तो ये जब अकल ही ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद सब चीज़ें हो गई। इसलिए ये चीज़ जो है वो नहायत इंतहाई घिनौनी है और उससे जो बीमारियां पैदा होती है वो अपनी जगह पर है, कितनी बीमारियां जो है उसके मुतालिक पैदा होती, हम सब इससे जो है वो वाकिफ है। तो बहरहाल, तो अब शराब के बारे में और शराब की हुरमत के बारे में जब ये आयत शरीफा नादिल होती है तो सहाबा जो है, चुनांचे एक वाक़ यहाँ पर जिक्र किया मुफ्ती शफी साहब ने कि एक शख्स ने जो है बहुत सारी जो है वो शराब खरीदी थी और पूरा सरमाया उसमें लगाया था, अभी शराब हराम नहीं हुई थी, लेकिन जब वो सरमाया जमा किया और पूंजी जमा की और उसके बाद जब इस आयत का पता चल गया तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गालिबन उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फरमाया कि जो अल्लाह का हुक्म आ चुका वही बात होगी। तो चुनांचे उसने वो पूरा सरमाया जो उस पर लगा था, ये नहीं कहा कि हमें उसके उसका नुकसान होगा, फौरन उसी वक्त जो है उसको ख़त्म कर। इसलिए कि जो आदमी हराम से अपने आप को बचाएगा अल्लाह उसको हलाल के कई दरवाजे रिस्क के खोल दे, आदमी की जो है हिम्मत की बात है। आदमी यही तो ईमान की जाँच होती है, आदमी झूठ बोल के 20 पाउंड ज़्यादा कमा लेगा और सच बोल के 10 पाउंड कम लेगा, लेकिन हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी। अब 20 पाउंड आपने झूठ बोल के ले ली एग्जाम्पल, लेकिन उसके पीछे 100 पाउंड की मुसीबत आई, बताओ अब ये कितने में पड़ गए आप, तो आदमी उसके पीछे जो नुकसान है उसको नहीं देखता। इसलिए फरमाया कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलव अअजबक कसरतुल खबीस, खबीस और तय्यिब, हलाल और हराम दोनों बराबर नहीं हो सकते, अगरचे तुम्हें खबीस और हराम ज्यादा दिखाई देता हो, समझ रहे। और लोग इसके अंदर जो है कई बहाने तलाश करते कि ये कैसे होगा, ये कैसे। मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर जिन जो है रेस्टोरेंट के अंदर शराब होती है, अब ठीक है कि वो कुछ ना कुछ जो है उनका ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन बेबरकती इतनी होती है उसकी इंतहा नहीं। और जो आदमी पक्के होते हैं वो क्या करते हैं, टेक अवे चलाते हैं। तो टेक अवे में क्या होता है, आप बस ले लो, या तो वहाँ खाओ या तो चले जाओ। तो हमने देखा कि उनके उस टेक अवे के अंदर इतनी रश होती है जितनी जो है वहाँ पर नहीं होती, तो आदमी जम जाता है तो फिर उसके बाद जो है उस पर अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। और आदमी खाएगा कितना, समझिएगा कितना खाएगा, या तो फिर बीमारी लग जाएंगे, हराम कमाई से कमाया होगा तो अब खा भी नहीं सकता, पाबंदी लग जाएगी, शुगर पर पाबंदी लगेगी, मीट पर पाबंदी लगेगी कि जो है फला बीमारी लग गई, फला अब ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, सब चीज़। तो ये सब चीज़ें बाद में हो जाती, तो इसलिए जो है इन चीज़ों से बचने की नहायत जो है वो ज़रूरी। और शैतान का मकसद क्या होता है, इसके ज़रिए से कि वो बुग्ज़ और अदावत पैदा करता है। कमार के ज़रिए से भी ये बात पैदा होती है। जुआ क्या है, जुआ जो है कमार क्या है, तो इस वक्त जो है ये तो एक अब तो बहुत यानी मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक के अतबार से और तरक्की एतबार से एक दूसरे अंदाज के अंदर जो चलता है। लॉटरी क्या है, ये उसी की इसमें की एक चीज़ है। तो कमार की जितनी सूरतें हैं उसमें क्या होता है कि आदमी के पास दूसरे के माल आसानी से आ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि जितना उसके पास वो सब के सब चला जाता है, तो दूसरे का माल भी आसानी से आता है और अपना माल भी जो है आसानी से चला जाता है, कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है,
फिर इस पर जो है वो लड़ाई और झगड़े छिड़ जाते हैं। और जो आदमी कमार का और सूद का आदि होता है फिर वो सुस्त हो जाता है, फिर उसकी तबीयत नहीं चाहती कि कोई ज़रा हार्ड वर्क करे, फिर उसी चीज़ के अंदर रखता है। तो इधर से उधर, तो बहरहाल शरीयत ने जिस चीज़ को कहा कि ये हराम है, ये जायज़ नहीं है, तो उसमें नुकसान ही नुकसान होगा और उसमें जो है बेनिफिट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस वक्त भी जो बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो बेनिफिट है, लेकिन हकीकत में बेनिफिट नहीं है, ये नुकसान ही नुकसान है। और उसके अंदर जो है नुकसानात क्या हैं, जिसको यहाँ जिक्र किया कि शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर इस तरीके से क्या करता है, अदावत बुग्ज पैदा करता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब आदमी किसी चीज़ का हरीस बन जाता है, अब कीमार का जुए का आदि बन गया, तो हर वक्त उसी की लत लगेगी, अब नमाज से गाफिल, जिक्र से गाफिल, तमाम चीज़ों से गाफिल हो, और शराब की हालत में होने से तो उसे सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कहा कि जो आदमी शराब पीता है तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, और जब तक वो तौबा नहीं करेगा उस वक्त जो है उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अब शराब से मुतालिक जो है एक हदीस में यहाँ पर सुना दूँ, एक हदीस है जो मुख्तलिफ जो है किताबों के अंदर मौजूद है, नसई के अंदर और इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, हज़रत अनस उसके रावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराब के बारे में 10 आदमियों पर लानत है, शराब को निचोड़ने वाला, बनाने वाला, शराब के निचोड़ने वाला, फिर बनाने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, उसको इम्पोर्ट करने वाला, फिर उसके बाद जिसके पास लाई जाए उसका बेचने वाला, उसका ख़रीदने वाला, वो किसी को गिफ्ट कर रहा है, और उसकी आमदनी यानी इनकम, यानी जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व होगा उन सब पर जो है वो अल्लाह की लानत यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर है। लिहाजा ऐसी चीज़ के अंदर जो है वो आदमी इन्वॉल्व हो, इससे जो है उसको अपने आप को बाज रखने की जो है ज़रूरत है। चुनाचे साहबा ने जो है इस पर अमल करके बताया और किस तरीके से जो है वो जो है शराब से दूर रहे, उसकी मिसाल जो है कोई दुनिया की कौम जो है वो पेश नहीं कर सकती। तो बहरहाल ये यहाँ पर जो है इसके मुतालिक जो सवाल था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमाया, यस अलूनक अनिल खमरी वल मैसर, तो क्या फरमाया, फीहिमा इस्मुन कबीर, इसका गुनाह ज़्यादा है और कुछ नफ़ा है। लेकिन ये बिगिनिंग इब्तिदा में बात थी, अब आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर बेनिफिट और नहीं नहीं वह इसमें हुआ अकबर मिन नफ़ी, और इसका गुनाह बहुत ज़्यादा है उसके नफ़ा से, ताकि लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा हो जाए। और एक उसूल जो अभी मैंने इससे बताया कि जिन लोगों के अंदर खामियां और कमज़ोरियां दीन के अतबार से होती है, मसला हमारे माशरे के अंदर एक रस्म रिवाज का माहौल है, या एक हमारे घरों के अंदर अगर बेदीनी का माहौल है, अब हम चाहे कि एक दिन के अंदर जो है वो जो है डंडा चलाकर उसको दुरुस्त करें, तो ऐसा नहीं होगा, उसको एक वक्त लगेगा, उसको एक टाइम लगेगा, और होते 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 वो जो है फिर जब उन घर वालों का जहन बन जाएगा तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद पूछेंगे और कहेंगे कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरीके से। इसलिए आप देखते हैं कि दावत के अंदर, जमात के अंदर जो साथी निकलते हैं उनको किसी चीज़ से मना नहीं किया जाता कि ये ना करो, ये ना करो, जब वो तालीम के हलके में बैठते हैं और जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को सुनते हैं तो फिर उसके बाद खुद ब खुद जो है वो इसके ऊपर जो है अमल करना शुरू करते हैं, कोई उनके ऊपर किसी चीज़ का फोर्स नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है चेंज इसी तरीके से। तो इस्लाह का तरीक़ा यही है, और माशरे की इस्लाह के लिए जो है वक्त भी दरकार लगता है, और उसके लिए मुजाहदा और वक्त भी दरकार होता है, और उसके लिए जद्दोजहद भी करना पड़ती है। बहरहाल ये यहाँ तक जो है इसका देख, आगे और एक सवाल किया गया है, वैस अलूनक मादा युनफिकून, कि ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। गुज़स्ता कल जो सवाल था उसमें ये था कि कहाँ पर खर्च किया जाए, और ये कि यहाँ पर सवाल है कि क्या चीज़ खर्च की जाए, तो इसलिए जवाब यहाँ डिफरेंट है। कुलिल अफ, आप कह दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़ायद बच जाए उसको खर्च करना है, यानी ऐसा ना हो कि आदमी सब कुछ खर्च करे और फिर उसके बाद खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाए, या जो है हमारे मातहत जो ज़रूरतमंद है उसके ही हम ज़रूरत नफ़ा वगैरह पूरा नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं। असल ये है
कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो उसे खर्च करना चाहिए, और फिर उसके मसारिफ क्या है उसका जिक्र पहले हो चुका है। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला आयतों को बयान करते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम गौर और फिक्र करो दुनियावी मामलात के अंदर भी और उखरवी मामलात के अंदर, यानी जो कदम उठाओ उसे सोच और समझ कर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जो उठाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये है, और आइंदा और भी कुछ चीज़ों के मुताबिक जो सहाबा ने सवाल किया है, जिसमें एक यतीमों के मुताबिक सवाल किया गया है, वह सलून का अनिल महीद, इससे औरतों के ख़ास जो है मसाइल के मुताबिक सवाल किया गया है, तो सहाबा ने ये सब सवाल किए हैं, और इसके मुताबिक कुरान करीम ने जो है हमारी रहनुमाई की है और गाइडिंग की है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान के तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और माशरे के अंदर जो ख़राबी है, ख़ास तौर से जो इस वक्त ख़राबी है, उसमें एक तो ये शराब की का आम रिवाज है, और क़िमार से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जुआ, हराम इनकम के जितने ज़राए हैं अल्लाह तबारक व ताला उससे हमारी हिफाजत फरमाएँ, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाएँ, और रोज़े की और रमज़ान की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर तक़वे वाली सिफत पैदा फरमाएँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।